हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एज अ स्टूडेंट PA1 ऑनलाइन एग्ज़ाम हम कैसे दिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे। व्हाट्सएप ओपन करते ही हम अपनी क्लास का ग्रुप ओपन करेंगे। हमने अपनी क्लास का ग्रुप ओपन कर दिया। जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा उस दिन एग्ज़ाम के टाइम के ठीक 10 मिनट पहले आपको टीचर द्वारा आपके क्लास के ग्रुप में एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल इस तरह की। उस लिंक पे आप 10 मिनट पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम ओपन हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह। ये देखिए, यह आपका एग्ज़ाम डायरेक्ट ओपन हो चुका है। इसमें पूछा जा रहा है फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का नेम एंटर करेंगे कैपिटल लेटर में, रितेश सिंह। क्लास करेंगे 1, सेक्शन बी। अब जैसे कि आप क्लास फोर्थ में है तो फोर्थ में सेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं पॉइंट डाल के आप इसे ब्लैंक रख सकते हैं सेक्शन में। अब जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। नीचे चार ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, इन चार ऑप्शंस में से आपको जो सही आंसर लग रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन 2, हु रॉट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसका आंसर हमें लग रहा है ऑप्शन 3, पंडित नेहरू। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस पे आपको ऐसे ही आंसर देने हैं। 3 का हु रॉट रामायण, आंसर 2 वेद व्यास। अब मान लीजिए हमें लग रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन ये आंसर हमारा गलत है, तो हम इस पर दोबारा ऊपर जाकर क्लियर सिलेक्शन पे कर सकते हैं। अब वापस आपको जो सही लग रहा है कि नहीं इनका आंसर तुलसीदास है, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस एक बार चेक कर लेंगे कि हमने पूरे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं कि नहीं, या हमारा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। वो चेक करने के बाद लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आएगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे। पेपर हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद व्यू स्कोर का ऑप्शन आएगा कि हम देखेंगे कि हमको कितने स्कोर मिले, हम कितने हमारा आंसर सही है या गलत है। ये आ गया, हमें टोटल पॉइंट्स मिले हैं 6 में से 4। हमने पहले का सही आंसर दिया, दूसरे का भी सही आंसर दिया, तीसरे का हमने आंसर गलत दिया। उसका आंसर है वाल्मीकि, और इस पे बता रहा है कि वाल्मीकि नहीं रामायण लिखा था। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और अपना अब स्कोर को लिख कर कहीं रख सकते हैं। और ठीक आपको जो टाइमिंग दिया जाएगा वही टाइमिंग में आपको पूरा पेपर सबमिट करना है, अन्यथा टाइमिंग निकलने के बाद आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, पेपर आपका स्क्रीन से गायब हो जाएगा, आप एग्ज़ाम अपना नहीं दे पाएंगे। ठीक इसी तरह आपको अपना एग्ज़ाम देना है। यही हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे हम अपना एग्ज़ाम दें। थैंक यू सो मच।